नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 कप गैस के ऊपर गरम करने के लिए पानी रख दिए। इलायची, लवंग, दालचीनी डाले, उसके बाद नमक डाले, फिर तेल डाले, ढक्कन लगा के पानी उबाले। पानी उबल चुका है, भीगे हुए चावल डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। हमें चावल को आधा ही पकाना है। चावल पक चुके हैं आधे, आप इसका पानी निकालेंगे। आप चावल को साइड में रख देंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, अब तेल डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे। प्याज को क्रिस्पी फ्राई करना है। हमारे क्रिस्पी प्याज तैयार है। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब खड़ा मसाला डालेंगे। अब कटा प्याज डालेंगे। आप अच्छे से भून लेंगे। अब कटे हुए टमाटर डालेंगे, अच्छे से भुनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालें, अच्छे से मिलाए। हमें अच्छे से भुनना है। अब लाल मिर्च डालें, अच्छे से भून ले। अब गरम मसाला डालेंगे, फिर हल्दी डालेंगे, किचन किंग मसाला डालेंगे। अब सारे मसाले अच्छे से भुनेंगे। अब चिकन डालेंगे। अब मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भुनेंगे। हरा धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे। धनिया जीरे का पाउडर डालेंगे। अच्छे से भून लेना। अब फेटा हुआ दही डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएंगे। अब अच्छे से पकाना है। अब पानी डाल के पकाना है। अब चिकन पक चुका है। अब चावल डालेंगे। चावल को अच्छे से डाल देंगे। फ्राई किए ले पैच ऊपर से डाल देंगे। कटा हरा धनिया ऊपर से डालेंगे। ऊपर से देसी घी डालेंगे। गैस के ऊपर एक तवा रखेंगे। तवे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। अब कढ़ाई पे ढक्कन लगा दे। धीमी आंच पर 20 मिनट दम पे रख दे। बिरयानी तैयार है। अब प्लेट में निकाले। ऊपर से हरा धनिया डालें और सर्व करें।
मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।